मतलब ऐसा था कि जनरली आप एक सारी गाड़ियों का ड्राइविंग एक्सपीरियंस एक साइड रख सकते हो और स्कॉडा का इज ऑल टू डिफरेंट अंडर पार लगती है कहीं से पहले तो जो लोग बोलते हैं पहले चला के देखो सबसे पहले यार अमन आप पता क्या कर रहे हो आप सीधा और गीधा के बीच लड़ाई करवा रहे हो नहीं हम कोई लड़ाई नहीं <laughs> पर जैसे वो वेंटिलेटर आप ऑन करते हो इस गर्मी में गाड़ी तो जाओ बहुत बेटर रहता है क्योंकि ये बहुत करता है मतलब आप कहाँ पे इसमें हार्ट रख रहे हैं मतलब आपको तो है। तो आप है। देना पड़ता है की हम कहा हाथ लगा रहे अटैक बहुत बढ़िया भाई बानु टीचर है बानो बच्चा काउंटर नहीं करेंगे तो बच्चे खा जाएंगे पकड़ तो आप किसको 19 और किसको 20 मानेंगे मत कराओ ये तो ज्यादा ही कभी अपनी सनरूफ को झरने के नीचे धोया आपने वो वाला नहीं, <laughs> नहीं, नहीं। बानू के साथ ही जाऊँगा ना बानू के साथ जाऊँगा इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो पाएगी इस बार सॉरी रियली सॉरी आपको मैं आपको थंबनेल नहीं दे पा रहा <laughs> तो ऐसी गाड़ियां जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं सीडेन है और मेरे फ्रेम में आप दोनों गाड़ियों को देख रहे हैं इसका कंपैरिजन वीडियो लेकर आए हैं आप बहुत डिमांड कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि कौडा स्लाविया और फॉक्स वेगन वर्टर्स का ऑनरशिप रिव्यू लेके आना चाहिए कंपेरिजन वीडियो लेके आना चाहिए दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों सीडैन ऐसी गाड़ियाँ हैं जिन्होंने सीडैन मार्केट में वापस जान फूक दी है इससे पहले एक टाइम ऐसा आ गया था जब सडेन मार्केट में बहुत कम थी और ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि एसयूवी सेगमेंट या कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट इस सेगमेंट को कहीं ना कहीं खत्म कर देगा लेकिन थैंक्स टू एंड स्कॉडा जिन्होंने वापस इस सेगमेंट में जान फूकी है ऐसी दो खूबसूरत और जबरदस्त गाड़िया वो हमारे लिए लेके आए इन दोनों गाड़ियों में आपको मल्टी इंजन ऑप्शंस मिल जाएंगे 1.0, 1.5, जी ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक ऑप्शंस मिलेगा मैनुअल में मिलेगा अगर हम इसकी साइज विथ की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है प्लेटफॉर्म सिमिलर है सब कुछ सेम है लेकिन

पहले तो मैं दो आप दोनों को थैंक यू करना चाहूंगा कि आप दोनों वापस हमारे चैनल पे आए हैं इससे पहले हम इन दोनों गाड़ियों का इंडिविजुअल ओनरशिप रिव्यू चैनल पे कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं वो लिंक दे दूंगा आप दोनों वीडियो जाके देख सकते हैं दोनों ही वीडियोस में आपको बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी प्लान कर रहे हैं और डेफिनेटली ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड पर आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि अगर आप ये दोनों गाड़ियों में से कोई भी प्लान कर रहे थे तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और आपके लिए कौन सी बेटर है तो स्टार्ट करते हैं आप दोनों से सबसे पहले तो कीर्ति भाई आपसे बात आप स्टार्ट करूंगा मैं मैं वर्टस लेने का क्या रीज़न था मैं पहले तो आपको चीज़ कि एज हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के लिए स्पेस बहुत चाहिए होता है कि भाई आपको एक तो चार लोग पांच लोग तो आराम से बैठ जाए और सेकंड लगेज का जो इशू आता अगर आपको कहीं जाना है तीन चार दिन के बाहर जा रहे हैं और तीन चार पांच लोगों अगर आपको लगेज चाहिए तो एस व्यू वो नहीं आ पाते एस व्यू आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं बट विध लगेज प्रॉब्लम आती ही आती एक वो चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सेकंड माइलेज और थर्ड जो इशू था इतनी लंबी लंबी वेटिंग पीरियड अब आप सत्रह अठारह बीस लाख भी दे रहे हो और उसके बाद आप पाँच पाँच छ महीने साल तक वेट कर रहे हो क्यों तो वो एक लॉजिकल चीज समझ में नहीं आती तो वो एक एक मेजर फैक्टर था आपका की तरफ बिल्कुल मेजर फैक्टर एक चीज मैं और मिस कर गया था कि दोनों वेरिएंट्स कौन से हैं ये दोनों वेरिएंट जो है वो 1.0 पॉइंट मैनुअल है जो फॉक्स वेगन और स्कॉडा के टीएसआई इंजन में आते हैं भानु से बात करते हैं भानु अगेन सेम क्वेश्चन टू यू कि इन आपका फॉक्स स्कॉडा स्लेविया लेने का क्या रीजन था और इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे इससे पहले मेरे पास हंडे एसेंट थी hmm. और उसके बाद मैंने आ, आई बुक टाटा सफारी ठीक है तो टाटा सवारी बुक करने के बाद आ, आई ड्रोव टाटा सफारी वो अच्छी गाड़ी है बहुत अच्छी गाड़ी है नो no डाउट लेकिन फिर मैंने आई हैव नॉट ड्रिवन स्कॉडा मैंने कभी ड्राइव नहीं की थी पहले तो लेकिन फिर मैं जब शोरूम गया था मैंने ड्राइव की तो मेट ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस मतलब ऐसा था कि जनरली आप एक सारी गाड़ियों का ड्राइविंग एक्सपीरियंस की साइड रख सकते हो और स्कॉडा का इज़ ऑल टोगेदेर डिफरेंट जैसे आप उसको ड्राइव करते हो तब आपको पता चलता है और दूसरा चीज है जैसे सर ने बोला की आ, वेटिंग पीरियड वॉज ऑल्सो डिसाइडिंग फैक्टर टाटा सफारी में मेरे पास वेटिंग पीरियड था तो काफी टाइम बाद आने वाली और इसके बाद सफारी में भी ये इशू था था वेटिंग पीरियड वाला अच्छा पर लेकिन इतना था कि बहुत ज्यादा नहीं था कि काफी गाड़ों पे और बहुत भी वेटिंग पीरियड चल रहा है तो इतना ज़्यादा नहीं था ठीक है लेकिन जब मैंने ये ड्राइव की थी तो इट वॉज लाइक कि मैंने उनको बोला कि इफ़ यू विल डिलीवर द कार दो इट सेल्फ आई विल पे एंड टेक द कार अच्छा ठीक है तो उन लोगों ने डिल्ड इट नॉट टो बट डे आफ्टर टुमारो तो उन्होंने मेरे को दे दिया दो दिन में गाड़ी मिल गई दो दिन मेरे को गाड़ी मिलेगी सो so, कहीं ना कहीं ये एज है स्कॉटा तो फॉक्स वैगन के पास कि अगर आपको इमीडिएट कार चाहिए तो आपको जल्दी मिल जाएगी अगर आप इस ब्रांड की तरफ जाते हैं तो हाँ वो बहुत ही ज्यादा रिसेप्टिव हैं इन सब चीज़ों में वट एवर योर आर इवन दो आई चेंज द कलर एट द लास्ट मोमेंट पहले मैंने वाइट किया था तो जब डिलीवरी वाला डे था उस दिन मैंने बोला आई वोट दी रेड कार तो उन्होंने फिर रेड करके मेरे को अच्छा डिलीवरी वाला दिन आपने करवाया मॉर्निंग मैंने कहा कमाल है अगर आपका ये कार आज नहीं होती से तो आपके आपका कौन सी गाड़ी होती है उसके बाद मैं विटारा पे ऑलमोस्ट फाइनेंस कर चुका था अच्छा अच्छा का का तो जा आप भी एक एसयूवी 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 में में ही रहे। वो तो 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 आज हो गया ना जाना तो जाना जाना है जाना है उसके बाद बोल्डन लेना तो के लिए बहुत बड़ी वेटिंग पीरियड वेटिंग पीरियड आदमी पास टाइम वेट करे आदमी छह छह महीने साल साल लोग कैसे वेट करते देम

अभी क्या है कि इसको मैं बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट आप समझो हिल में काफ़ी जगह लेके जा चुका हूँ मैं इसमें तो कोई इशू नहीं आया जो ग्राउंड फ्लेन्स भी ओके ओके है मतलब इट इज़ बेटर से, 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 हाँ, आदर, आ, बाकी से, से, से काफ़ी बेटर है तो, तो okay. मेरे को ऐसे कभी बीच पर टिके ऐसा कुछ कभी कुछ हुआ ही नहीं तो और हाईवेज़ पे तो मतलब आप बोल नहीं सकते मतलब ऐसा लगता है कि यू आर द किंग अच्छा वन पॉइंट वन पॉइंट ओ का जो, जो इंजन है दोनों से है, क्योंकि बी एच पी की बात करें तो वन वन फोर बी एच पी है और जबकि अगर आप 1.5 की बात करें तो 150 फिफ्टी बी एच पी और टू फिफ्टी न्यूट्रन मीटर टॉक पे आती है तो एक सौ चौदह बी एच पी एक सौ अठहत्तर न्यूट्रन मीटर टॉक बहुत से लोग बात बहुत करते हैं जिन्होंने नहीं चलाई वो बात करते हैं जिन्होंने चलाई है वो नहीं करते अंडर पार लगती है कहीं से पहले तो जो लोग बोलते हैं पहले चला के देखो सबसे पहले ठीक है जब इसका टर्बो वो करता है तो इट इज ऑल टुगे डिफरेंट एक्सपीरियंस मतलब मैंने गाड़ी मतलब 180 भी है, 180 <laughs> और cross. उसमें आपको ऐसा कभी नहीं फील होता आपको लगता है सेफ कार yeah. आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप क्या चला रहे हो जबरदस्ती तो, तो नहीं कर रहे कुछ yeah. भी नहीं लगता ऐसा, और इट कल एंड तो क्योंकि अभी हम जयपुर में थे तो लीगल है तो वन ट्वेंटी तो करते वन फोर्टी फिफ्टी आराम से पहुंचा गाड़ी बहुत अच्छी बहुत स्टेटल गाड़ी अच्छी नहीं लग रहा था आपको बहुत स्टेबल और जो वही रेब थ्री के ऊपर आप जाते हो गाड़ी बहुत ही अच्छी पकड़ रहे गाड़ी मतलब सिटी के तो तब भी कई बार बार लगेगी बहुत हल्की सी फर्स्ट सेकंड से में थोड़ा सा कभी चैलेंज दिख जाता है बट हाईवे पे तो बहुत ही प्लेजरस रहे मज़ा आता है गाड़ी चला अब अपने उस पैटर्न पे आते हैं जो हमारा वीडियो का मेन मोटिव रहता है ड्राइव पे चलते हैं कीर्ति भाई जो है वो आज स्कॉडा सलाबिया चलाएंगे और भानु भाई को हम देंगे वर्टेस्ट चलाने के लिए यहाँ अमन आप पता क्या कर रहे हो

आप जब स्पीड पकड़ते पकड़ते वो हल्का से बीच में गैप आता है एक। वो इनका दोनों का गाड़ियों का मुझे लगा है बाकी गाड़ी बहुत कम्फर्टेबल है, है।, है, है, है वो कभी आपने फील की उस... हाँ, थोड़ा सा आता है ये है वो थोड़ा सा एक लैग आता है सिटी के अंदर सिटी इसमें सिर्फ एक ही चैलेंज है जो सिटी के अंदर आपका वो लैग आता है छोटा सा छोटी चीज है वो वो आपके एवरेज पूरी करेंट कर एवरेज जो है आपकी इतनी बढ़िया गाड़ी निकाल देती है जैसे मैं इस टाइम पे सत्रह अठारह के करीब मैं इस टाइम पे ले रहा हूँ गाड़ी से अपने चारे। 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 चारे आपकी हाईवे की बात कर हाँ हाईवे हाँ, पे और सिटी पे हम आराम से चौदह पंद्रह सोलह चौदह पंद्रह सौ आराम से निकाल देते हैं तो चौदह पंद्रह आपको दे देती है दे दे देती देती गाड़ी अच्छा तो, तो बहुत बढ़िया है आराम से अरे अच्छा ये एक और रीजन था क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे ना आप एसी व्यू ले रहे हो और आप ये ले रहे हो अगर आप कैलकुलेट कर नहीं कर रहे तो देखो शौक की बात है तो हर चीज खत्म हो जाती है बट आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ए यू वी और उसके बीच में ये वाला फर्क आया था कि भाई आखिरी में आप सिटी से बाहर जाते कितना एट्टी परसेंट गाड़ी तो आपको सिटी में चलती है हाईवे में आप कितना ट्वेंटी परसेंट तो वो ही फर्क आ जाता है ठीक है आखिरी आखिरी में एवरेज आपको, आपको सिटी में देखें तो वैसे भी कहीं ना कहीं अगर हम सिटी की भी कंपेरिजन करें तो सिटी में भी वो कहीं ना कहीं ए सी से तो एड करिए बिल्कुल ज्यादा देती है बिल्कुल ज़्यादा देती है बहुत कंफर्टेबली चलती है और गाड़ी बहुत हैवी है और जैसे मेरे मेरी जो गाड़ी मेरी वाइफ भी चलाती है बात करेंगे अगर, अगर फीमेल ड्राइवर रहेंगे तो उनके लिए कितना बिल्कुल। तो वो आप कह रहे हैं उनके लिए।, लिए भी इस कार को ड्राइव करना डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है ये लोग हम हम लोग आराम से जानते हैं ठीक है जब हम इंजन परफॉर्मेंस देखें या वैसे देखिए प्लेटफॉर्म सेम है पॉइंट इसकी इंटीरियर्स की हम बात करें जो गाड़ी में बैठकर सबसे पहला फील आया हाँ वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो स्टेयरिंग कंफर्ट है सीटिंग कंफर्ट है डैशबोर्ड की जो फील है इंटीरियर हाँ। है वो कैसा फील है डैशबोर्ड बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है बट मेरे इसमें मुझे लगता है है जैसे मेरी स्क्रीन इसके साथ ज़्यादा इंटीग्रेटेड इन्होंने जो ग्रे दिया है ना इसकी ग्रे से इसमें स्क्रीन अलग से उठ के बाहर आ रही है और उसमें स्क्रीन वो जेंड अप है भी और जेंड अप है, है हाँ। एक चीज वो आ जाती है फिर मेरे उसमें सनरूफ आ जाता है तो वो एक थोड़ा सा फर्क दिख जाता है सनरूफ की वजह से वो मेरे ख्याल से बारूबाई वेरिएंट का इशू है वेरिएंट का इशू है वो अब जैसे मेरी जो सीट है फिर वो वो है क्या कहते हैं वेंटिलेटेड है आ, है हाँ। तो का फर्क आता जैसे ये ज्यादा मुझे कुछ नहीं लग रही है बजाय मेरे इसके डेफिनेटली जो फैब्रिक सीट्स होती है तो इसमें मुझे कंफर्टेबिलिटी ज्यादा बढ़िया लग रही है बजाय उसके तो उसके पर उसके अंदर एक और चीज मैं बोलूंगा यहाँ पर कंप्रेसर जब कर रहे हैं पर जैसे वो वेंटिलेटर आप ऑन करते हो इस गर्मी में है गाड़ी ऑन कर सो जाओ आता है बिल्कुल वो पीठ आपकी ना बिल्कुल मस्त ठंड कर ठीक है तो ये एक बहुत फर्क आया अच्छा भानु भाई अपनी गाड़ी में ही पीछे कितनी बार बैठी हो एक बार तब जब हम पहले वीडियो शूट आज के बाद <laughs> <मुंग था। laughs> so, तो मतलब आपकी तो हाइट भी बढ़िया है तो आपको अंडर थर्टी अपनी गाड़ी में पीछे की सीट में कैसा रहता है मतलब ओके है थोड़ा सा तो और बेटर होता तो अच्छा होता थोड़ा सा और अच्छा ठीक है और पीछे की सीट्स है वैसे काफी कंफर्टेबल है आप लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं तो मैं जब लास्ट टाइम आपकी वीडियो में मिला था तो ऑब्वियसली आगे बैठा था तो पीछे बैठने का जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि काफी कंफर्टेबल है हाँ जैसे अभी हम लोग एंटर किया था और उन्होंने चलाना स्टार्ट किया ना तो मेरे को लगा मैं पीछे आराम से बैठ तो तो कर कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्टेस का एक थोड़ा सा एज रहता है भाई के कॉडा स्लेविया में जो फीचर्स इनिशियली उन्होंने दिए थे अब वो धीरे धीरे कटिंग कॉस्ट कटिंग में वो फीचर्स कम करते जा रहे हैं फॉर एग्जांपल स्क्रीन की अगर हम बात करें तो स्क्रीन छोटे कर दिया है ओ आर में उन्होंने फोल्डेबल दस इंच आती तो अब आठ इंच आ रही है ठीक है मतलब मेरे पास तो जो स्टार्टिंग वाले सारे फीचर ही हैं है क्योंकि हाँ। तो मैं तो पहले ही लॉट ही चप सब तो लौटवा रहे यहाँ कहीं ना कहीं वही है वर्टस में वो चीजें वो पीछे से कहीं इशू था तो वो वर्टस में भी आना चाहिए था हाँ। तो ये ब्रांड लेवल पे कहाँ पे रह गया कि गयाटा को लगता है कि कम करके भी हम गाड़िया बेच लेंगे हाँ मतलब इस चीज में तो मतलब मैं बहुत ज्यादा चीजें ना कुछ मेरे रिसर्च भी नहीं किया इस चीज में लेकिन हाँ ये चीज आपने सही बोली कि वो दोनों चीजों में डिफरेंस है ऑल ब्रांड तो सेम ही है ना तो सेम ही अगर एक चीज एक कर रहा है एक कर रहा कहीं पे कुछ कम का, है तो वो दोनों के पास ही नहीं होगा इस दिख इसमें शायद इस इस शायद एक पॉइंट है स्कॉडा का जो एसयूवी सेगमेंट में बहुत स्ट्रांग हो गया तो मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे करके फॉक्सर्गन की तरफ सेडान दे रहे हैं कि सेडान यहाँ से लेते रहो और एस से लेते रहो हाँ ये मुझे तुम्हारा दोबारा रिपीट कीजिए स्कॉडा का एस यू कहाँ से लेते रहो स्कॉडा स्कॉडा से आप एस लो अच्छा और फॉक्सन से कि कुशाक आप लग रहा है कुछ आक लेती है टाइगम पोशाक की जो रोड प्रेजेंस है ना वो टैक से अच्छी पोशाक देख के मजा आता है गाड़ी तो ये मुझे लगता है ये ये उनका स्मार्ट डिसीजन बीच में चल रहा है कि दोनों के बीच में हम डिवाइड कर देते हैं सिडान आप यहाँ से ले लो और ये यहाँ से ले लो बाकी मदर कंपनी फॉक सकते वो हो भी सकता है कि मतलब बात ठीक हो लेकिन मतलब रोड पे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत हाँ ये काउंटर अटैक बहुत बढ़िया भाई बानू टीचर है बानु मतलब काउंटर नहीं करेंगे तो बच्चे खा देंगे पकड़ के तो ये बहुत फैक्ट है आ, तो, तो यस। अच्छा बानू आपसे क्वेश्चन और जैसे अगर हम उक्ताविया की बात करें जो प्रीमियम सेगमेंट स्क्वाडा में पहले रहता था चाहे वो आपकी आ, कोई भी फॉक्स स्क्वाडा की जो पुरानी गाड़ियाँ उसकी प्रीमियम और इसकी प्रीमियम में आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि थोड़ी कॉस्ट कटिंग ऑब्वियसली हाँ। उसकी प्राइसिंग और इसकी प्राइसिंग में बहुत बिल्कुल क्या है तो एक जो में बात करें जो एक जो प्रीमियम फील आती थी जैसे ऑडी और बीएमडब्ल्यू वाली जो फील आती थी वो स्कॉडा की उक्ताविया जैसी गाड़ियों में आती थी भी उससे थोड़ा डिग्रेड है हाँ बिल्कुल है लेकिन इसमें क्या है कि आप जब एंटर करोगे तो दे विल ट्राई टू आ, मेक यू फील कि आप एक अच्छी गार्ड में हो इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है लेकिन कंपेयर तो लगेगा।, लगेगा और दूसरी चीज एक और चीज है कि जब आप इसका जो फिट एंड फिनिशर मटीरियल देखोगे इट कडन बेटर ठीक है सामने जब आप प्रेस करोगे आगे अगर डैशबोर्ड पर भी प्रेस करोगे तो वो थोड़ा आवाज भी करता है ठीक है मतलब नहीं होना चाहिए था ऐसा डेफिनेटली तो वो उस चीज में थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते थे तो उस लेवल की उस लेवल की की कॉस्ट कटिंग जरूरत नहीं थी ये <laughs> तो बात की जाए ठीक है भी जो जो आपका जो सेंटर में आपका ऑटो जो एसी वाला आता है वो भी इसी तरह से है कोई बटन नहीं रहते हैं सिर्फ टच वाला दोनों को एक आप लोगों को जैसे मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन किया होगा ये यहाँ पर पूरा टच होने की बजाय अगर बटन रहता तो ज्यादा बेटर रहता है बहुत बेटर रहता है क्योंकि बहुत डिस्ट्रेक्ट करता है मतलब आप ये बात है आपको ध्यान देना पड़ता है कि आप कहा हाथ लगा रहे हो

तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे या आपको लगता है कि आप जैसे कह रहे हैं क्योंकि तो मुझे ये ये जो आगे का हिस्सा ना ये मैं उसका बार बार देख रहा हूँ तो उसमें मुझे बिल्कुल फर्क पता लग रहा है ये इस तरह से मुझे ये जो मेरा सामने ये आ, आ, दो दो जो आ रहे हैं इनका फर्क मेरे कैच कर लो तो आप किसको उन्नीस और किसको पीस मानेंगे यार यार ये मत कराओ तो ज्यादा ही जाएगा भानु से आगे मुझे काम लेना है। हाँ। तो नहीं, 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 ने बच्चे को फेल कर दिया था बताता हाँ। हूँ तो आप <laughs> नहीं नहीं कोई खास फर्क नहीं यार मॉडल का कोई फर्क हो तो फर्क होगा प्लस माइनस कर देगा तो बाकी गाड़ी के अगर इंजन कर देखो अंदर की चीजें जैसे मुझे ज्यादा कुछ नहीं लग रही अब उसमें बोलूंगा उसमें ठीक है दो फर्क आया था मुझे यहाँ पर उसकी क्या नाम है सनरूफ की आदत है तो वो एक मेरे मैंने वो वाले मेरे को प्लस जाता है कि खोल लेते उसके बीचों में फर्क है बाकी ड्राइविंग ना ड्राइविंग में कोई खास फर्क नहीं होगी हाँ ऑन रोड चार्जिंग, चार्जिंग. चार्जिंग, चार्जिंग. चार्जिंग, चार्जिंग, चार्जिंग. हाँ, मैंने बता दिया कि उसमें कुछ एडिशनल चीजें भी एड हो रखी थी ठीक है तो वही है कि अगर उनको भी हटा लिया जाए तो मेरे को लगता है ये फिफ्टीन या इसके आस का ही होगा दो क्या फर्क है मेरा सेवनटीन था हाँ तो बात है कि पंद्रह में ऑन रोड अगर ये गाड़ी आपको मिल रही है तो

बस वो वाला प्रीमियम अगर वो लोग कहीं बहुत बड़ा प्रीमियम है बहुत बड़ी चीज़ हो गई है ये सारी कहानी हो वो अपनी जगह पर बात है बट अगर आप देखो तो गाड़ी चला के मजा आता है भाई आप इंजन की जो रिस्पॉन्स देखते हो गाड़ी जब पकड़ के रोड पे चलती है वेरी गुड एंड देन दो जो आपको फाइव स्टार रेटिंग देते हैं भाई आप सिटिंग इन येगा किसी कैसल में बैठे हुए गाड़ी कहीं से भी कुछ नहीं आप रेत नहीं सकता हाँ कोई आपको कुछ नहीं होने वाला तो दैट्स बिग गारंटी ठीक है अगर हम ये ये फॉक्स वेगन वाले जो है खुल के बोलते हैं खुल के बोलते हैं आप बाप क्योंकि उन्होंने मारुति की कुछ गाड़ियों से कंपैरिजन किया था कि भाई वह जीरो रेटिंग है कहीं पर किड की बच्चों की कोई रेटिंग है ही नहीं एडल्ट रेटिंग है वो वो सब फर्क बहुत ज्यादा पड़ रहा है एन कैप पर और इसके अंदर जब मैंने बिल्ड क्वालिटी के लोगों को पता थी बट एक का? होता है कि ऑन पेपर कोई चीज आ जाना ना वो एक अलग बैटर था ऑफिशियली बात करना ऑफिशियली बात बिल्कुल ठीक है कीर्ति भाई आप चलते हैं दूसरी कार में अपनी हाँ जी श्योर तो अब इस टाइम पे हम लोग हैं पॉक्स वेगन वर्टर्स के अंदर भानु जो है ड्राइव कर रहे हैं किटी भाई साहब से बैठे भानु आप इंटीरियर में अगेन सेम क्वेश्चन कि आप जब बैठे हैं तो एक ये जो फर्स्ट फील है जो वो कैसा है आप नहीं बहुत ही है। कैसे? और इंटीरियर मतलब दोनों गाड़ियों का गा ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सेम है हाँ। मतलब डिफरेंट है ऑल दो इट ये भी सवेस्ट हो सकता है कि अगेन के थोड़ा सा ये टॉप मॉडल है इसलिए भी हो सकता है अच्छा भारू आपने जो है वो जो उनका एम पैकेज रहता है एमसी सर्विस वाला जो पैकेज हाँ। या चार साल वाला वो आपने ले रखा है हाँ मैंने लिया हुआ है अच्छा आपने भी कीर्ति भाई को लेने भी थे सब so, वो कितना यूजफुल रहता है आपकी जो जो सर्विस की जो कॉस्ट रहती है उससे कितनी कम हो जाती है अभी तो फिर मेरे तो फ्री में ही चल रहा है क्योंकि अभी तो अभी तो कितने दिसंबर तो लिया है अभी जो टेन थाउजेंड की कराऊंगा फिर आइडिया लगेगा क्या चीज़ मैं करा चुका हूँ अच्छा जो उनकी फर्स्ट सर्विस होती है तो मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आता ही है क्योंकि वरना फिर वो एडिशनल चार्ज अगर आपने नहीं ले रखा है तो कुछ एडिशनल चार्जेस के नाम पे कुछ ना कुछ बिल बना ही सकते हैं ठीक है अगर आपने वो सर्विस वाला जो आ, ले रखा है तो मतलब इट इज देर रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको पूरा करके देते हैं ठीक 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 तो मेरे को जब पहली सर्विस आई थी तो मतलब मेरे को कुछ भी ऐसा उन्होंने चार्ज नहीं किया था ठीक है मतलब मैं थोड़ा तेज चला सकता हूँ ना इसको हाँ चीजें चलाई सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ तो आपका सीटिंग कंफर्ट या स्टेयरिंग की बात करें तो वो बिल्कुल सिमिलर है मतलब इनको मेरे वाला जो है काफी कुछ नहीं लग रहा था ना मेरे को ये वाला थोड़ा ये वाली सीट अच्छी लग रही है मतलब अच्छा वेंटिलेशन वेंटिलेटेड आपने ऑन किया नहीं, नहीं नहीं मैंने नहीं यार। एक बार अच्छा, वो चेक करके देखते हैं अच्छा ब्लोअर की जो एक आवाज है, अच्छा, एक आवाज है जैसे मेरे ख्याल से दो लेवल 2 पे चला है नहीं हां हां लेवल 2 पे स्टार्ट होता है और काफी आवाज करता है आवाज आती है हां ब्लोअर ब्लोअर की की आवाज आवाज आती है हम लोग पीछे बैठे हैं तो हमें इमीडिएट पता लगा कि ब्लोअर ऑन हां इतनी आवाज पता लगती है ये का एक वो है है नेगेटिव पॉइंट इतनी ज्यादा आवाज नहीं आनी चाहिए थोड़ी सी आधी समझ में आता पर जो हिस्स है बहुत ज्यादा है और फिर आपको ये इमीडिएटली पता चल जाता है क्या

ऐसा नहीं बैक में हाँ। तो शायद कपड़ा पहनते हैं इससे जल्दी से पता लग जाता है अपनी गाड़ी में उतना ही है, है या थोड़ा सा पीछे करके चलाता हूँ जैसे अभी लग रहा है ना शायद मैं इसीलिए बोला मुझे लगा की आपको थोड़ा सा लग रहा है आगे

अच्छा ये ए एसी की बात चल रही है तो ये क्वेश्चन आप दोनों के लिए है कि जो फॉक्सविल्स कोटा में जो एसी से रिलेटेड इश्यूज है जो ट्रिप करता है एसी उस तरह के इश्यूज आपको आते हैं कि भाई एकदम अभी तो गाड़ी नहीं है तो इतना और एक्सट्रीम वेदर भी अभी तक, तक नहीं आया है। वो खत्म हो गया शायद इशू लग रहा है मुझे क्योंकि कल तो हम राजस्थान होकर आए थे और राजस्थान में तो अच्छी खासी सी कर पूरा टाइम आपने और सी चल रहा मस्त ए चल रहा बहुत सब बड़े कोई इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि ए सी ट्रिप कर रहा है कोई खास इशू नहीं एक बार शायद आया था तो मुझे पता नहीं या तो मैंने गाड़ी रीस्टार्ट कर दी तो फिर ठीक हो गया था वो उसके बाद कुछ नहीं आया हाँ ये वाली बात है ये ये एक एक बार बार जरूर आया आया था ये आया। आया था नो डाउट वाला चैलेंज मतलब इसमें मैं तो थोड़ा सा बोलूंगा कि मेरे पहले बताया था कि मेरी गाड़ी में मतलब स्लाविया में ए का इशू था तो अभी उन्होंने क्या किया है कि दे हैव कॉल्ड अगेन की और वो खुद लेके गए थे गाड़ी को और ए अपडेट करके उन्होंने दिया है ठीक है कि कुछ नया अपडेट आया है ठीक है तो उसमें

पसंद नहीं आता बट आज के बता रहा हूँ थोड़ी सी कम होती जा रही है क्योंकि हर कंपटीशन में कुछ ना कुछ नया रोज आने वाला बहुत है। क्योंकि हाँ। पहले लो से अब थे। थे। लोगों लो, लो ने जैसे टाटा लेनी शुरू की महानी शुरू की बिल्कुल अब मतलब हर कार जो है वो मार्केट में बिक रही है बिल्कुल है तो वो कसम नहीं है की भाई रिस्क के साथ यही जिंदगी काटते है वो सब अब तो आदमी चीजें चेंज करता है और देखता रहता है हैं अब वो जनरेशन चेंज हो गई है आप प्रोडक्ट अच्छा निकालो आपकी चीज लोग अब भाई हमारे पेरेंट्स के टाइम पे पच्चीस पच्चीस तीसरे साल एक ही कंपनी में काम करते थे आज की डेट में लड़के में एक बार काम नहीं करते तो वो अब जमाने गई थी ब्रांड है नहीं यार बेटर एक्सपीरियंस दोगे हम पक्का जाएंगे आप टाटा में और इसमें चलाने में मतलब बहुत काफी फर्क है मतलब ऑल चलो अच्छी बात है वो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी दे रहे हैं काफी फर्क है ना और फीचर्स भी बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे फीचर्स भी हैं जो कि हो सकता है कुछ कुछ यहाँ भी नहीं मिलेंगे

और जर्मन जर्मनकार वो उसमें आएगा और अगर मैं ड्राइविंग कंपेयर करूँ जैसे मतलब अगर कंपेयर थोड़ा बहुत कर सकते हैं अगर इसकी ड्राइविंग किसी और गाड़ी से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और जो कि इस, इसकी नहीं है और या की नहीं है और इको स्पोर्ट की ड्राइविंग बहुत ज्यादा जब नहीं बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने सबा आपके इस ड्राइव पे फाइनल थाट्स क्या रहेंगे कार को लेकर बहुत ही बढ़िया है ड्राइविंग में बिल्कुल सेम है और प्लीज सीधा किधा की लड़ाई मत करो हाँ वही मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सेम है तो आप ये यानी बात है कि लुक्स एक हो गया पहला

और अपनी कार को नो no. अपनी कार को भी नो यहाँ सेफ खेल गए ठीक है, <laughs> है। so, कीर्ति भाई आपसे बड़ी उम्मीद है की लड़ाई सो <laughs> so, आपने जो सलाबिया चलाई किसी तरीके का कोई डिफरेंस वर्टर्स में नहीं नहीं ड्राइविंग में कुछ नहीं वो इंटीरियर्स में वर्जन के ऊपर सत्ता है कि ये वर्जन थोड़ा सा एक ऊपर है इसका भी एक वर्जन ऐसे ही होगा तो आप मेजर कोई डिफरेंस कर नहीं सकते मेरे को दो गाड़ियों में कोई खास कोई खास फर्क नहीं है बता ऐसा मैंशनेबल कुछ है नहीं

तो यहाँ पर हम थंबनेल की बात नहीं करेंगे हम यही बात करने आए थे कि गाड़ी कौन सी बढ़िया है गाड़ी दोनों बढ़िया है अगर आप कोई भी कार लेना चाहें आँख बंद करके स्लाविया और वर्टस के लिए जा सकते हैं चाहे वो वन पॉइंट हो या वन पॉइंट हो वो कहीं से भी कोई अंडर पावर नहीं है मैंने इन गाड़ियों को मल्टीपल टाइम्स दोनों को ड्राइव कर लिया है इनफैक्ट आज कीर्ति भाई और बानू ने भी दो अपनी अपनी गाड़ियाँ चलाई हैं और एक दूसरे की कार भी चला ली है अंडर पावर कहीं से भी नहीं है 1.0 लेना चाहते हैं वैल्यू फॉर मनी है आपकी

शायद मेरे को लगता है कि मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है का कि एक दो बार शायद हूँ ऐसी गाड़िया है ही हैं जो ऐसा होता है कि चलो टक्कर दे जाती टक्कर दे हैं अदरवाइज है। मतलब मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई चाहे कितनी भी अच्छी गाड़ी हो कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी आराम से ओवरटेक करो बहुत इजीली मतलब आप अगर चाहते हो ना कि ये गाड़ी चल रही है सामने मेरे को ओवरटेक करनी है तो नोबडी कैन स्टॉप यू ऐसा है ठीक है सो थैंक यू सो मच आप दोनों का वीडियो पे आने के लिए और आप दोनों का और कीर्ति भाई जो है वो ऑलमोस्ट गाज़ियाबाद से आए हैं और तो थैंक यू सो मच और भानु भाई जो है वो बहुत बिजी थे और इस वीडियो के लिए हमने बहुत ज़्यादा प्लान किया इतनी दूर से भानु भी आए हैं कीर्ति भी आए हैं दस बार कै प्लान कैंसिल हुआ होगा तो कंपेरिज़न तो वीडियो में जब हम के आपके लिए हम लोग गाड़ी लेके आते हैं तो एफर्ट लगता है भाई कुल मिला के सब्सक्राइब कर लो मेन पॉइंट ये है तो पॉइंट ये है कि सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे वीडियोज़ जब हम आप लाते हैं तो एक तो इन्फॉर्मेशन देते हैं और इतने लोगों का एफर्ट लगता है अपना अपने अपने काम अपने अपने बिजनेस अपने जॉब सब छोड़ कर आए हैं इतना टाइम दिया है तो उसमें वो सब चीज़ों की वैल्यू रखनी चाहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सडैन कार पसंद करते हैं लेने की सोच रहे हैं डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सी गाड़ी तो ये वीडियो देखने के बाद आप आराम से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी कार लेनी चाहिए हमारे चैनल पे रिव्यू के लिए आना चाहते हैं नीचे दी एम एल आई टी पर हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर